सेवरलोइड की तवेरा बिफोर इंस्टॉलेशन, आप ये पार्ट जो आप देख रहे हो, तो यहाँ से हम ये पार्ट को निकाल के यहाँ पे 9 इंची एंडर पेयर लगाएंगे। तो लगाने से पहले लुक ये था, वो लगाने के बाद का लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए, लगाने के बाद 00 फिनिशिंग के साथ लगेगा नहीं, आफ्टर मार्केट पेयर लगा हुआ है। ये देखिए 9 इंची एंड्रॉइड इसमें कंप्लीट फिट जो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार शो का रहे दोस्तों। आज हमारे पास आई है सेवलोट की तवेरा, जिसमें हम लगाने वाले हैं 9 इंची एंड्रॉइड प्लेयर। प्लेयर फिटिंग करने का पूरा इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे, प्लेयर हम कहाँ और कैसे लगाने वाले हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा हम कहाँ लगाने वाले हैं और कैसा कैमरा होता है, पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ये प्लेयर हम इसमें लगाने वाले हैं, 9 इंची प्लेयर है, हेमन ब्रांड में 9 इंची प्लेयर ये आता है। 2 GB रैम, 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ आता है। गोरिल्ला ग्लास स्केच प्रूफ आपको देखने को मिलेगा इसमें। मिरर लिंक का ऑप्शन आता है, डॉल्बी डिजिटल साउंड है, डुअल कोर प्रोसेसर इसका रहता है, प्लस 2 GB रैम, 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिटिंग का पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि ये प्लेयर किस तरह से तवेरा में इंस्टॉल करते हैं, लुक कैसा आएगा, कंपनी फिटेड प्लेयर कैसे खोलेंगे, नया प्लेयर कैसे लगाएंगे, सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर वायरिंग किस तरह से होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है सेवरलोइड की तवेरा का कंपनी फिटेड प्लेयर सिंगल डीन, जो इसमें लगा हुआ आता है, या फिर 7 इंची इस पार्ट में आप लगा सकते हैं। हम इसे निकाल के यहाँ पे 9 इंची प्लेयर लगाएंगे। लगाने के लिए सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए नीचे वाला पार्ट को हमें यहाँ से ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। इस तरह से ये खींचने से निकल जाता है और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से ये ऊपर वाला पार्ट निकालना है। यहाँ से थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से लूज करके इस तरह से इस पार्ट को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कंपनी की फ्रेमिंग निकल चुकी है, इनसाइड से ये लुक आपको देखने को मिलेगा। 4 स्क्रू आपको मिलेंगे जो आप देख रहे हो, ये 4 स्क्रू को एक एक करके खोलेंगे। ये 4 स्क्रू खोलने के बाद ये प्लेयर ओरिजिनल पूरा बाहर आ जाएगा। तो जब आप 4 स्क्रू खोल लेते हैं तो प्लेयर को पकड़ के सिर्फ बाहर खींचना रहता है। इस तरह से आप प्लेयर को पकड़ के खींच सकते हैं, ये प्लेयर इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब इसके अंदर जो वायरिंग होती है, ये जो वायरिंग है इसी में हमारी एंड्रॉइड की वायरिंग लगेगी। ये देखिए इसमें एंटीने की वायरिंग है, ये मेन वायरिंग है। इन दोनों वायरिंग को यहाँ से पहले निकाल देते हैं, इस तरह से इसको पुश करके निकाल दिया जाता है। सो कपलर टू कपलर वायरिंग भी करेंगे, आपको दिखाएंगे। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक हम इसमें लगाते हैं, तो माइक हमने राइट साइड में लगा दिया है, ये ड्राइवर के पास यहाँ पे हमने माइक लगाया हुआ है। रिवर्स कैमरे की वायरिंग यहाँ से जाएगी पीछे तक, यहाँ से इसके अंदर दोनों वायर आएंगे। GPS हम इसमें लगा रहे हैं, ये GPS है, इससे नेविगेशन एकदम क्लियर स्मूथ चलता है। GPS इस तरह से चिपका देते हैं यहाँ पे और इसकी वायरिंग एंड्रॉइड में लगा देंगे। ये माइक का एम्पलीफायर बूफर के सारे केबल्स हैं, वो ये है USB केबल्स, USB यहाँ लगेगी डिग्गी के डैशबोर्ड के अंदर। इसके अलावा कैमरे के वायर वगैरह सारे हैं। तो मेन सॉकेट ये होता है, अब इसमें इस सॉकेट को इस तरह से लगाया जाता है, इस तरह लगा के पुश कर देते हैं। यही सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग होती है। ये वाला पार्ट जो है प्लेयर में लगेगा और ये रिवर्स कैमरे का वायर अलग से आता है, जो यहाँ इस केबल में लग जाएगा। और यही पूरा इंस्टॉलेशन होता है, पूरा इंस्टॉलेशन इसी का सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग यही होती है। ये प्लेयर हमारा रेडी है इसमें लगाने के लिए। तो प्लेयर को हमने इसके फ्रेम पर किस तरह से लगाया है ये भी आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर रखे बैक साइड से हमने इसमें स्क्रू मारे हैं, तो ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए बैक साइड से हमने इस तरह से स्क्रू मारे हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्क्रू है कॉर्नर पे। इस तरह से 4 स्क्रू इसमें सपोर्ट देके मारे जाते हैं ताकि प्लेयर जो है इसमें लगा रहे बाहर ले, लेफ्ट राइट सर के नहीं। कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, वायरिंग की वायरिंग है। सबसे पहले ये जो वायर है ये माइक का है, ये जो वायर मेन सप्लाई का है, बाकी USB GPS सारे वायर एक करके प्लेयर में लगाते हैं। सेवलेट की तवेरा का पर्टिकुलरली कोई फ्रेम आता ही नहीं है, तो आप इसमें मराजो, महिंद्रा मराजो का या मारुति रिज का फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। हमने कौन सा फ्रेम यूज़ किया है ये आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। ये माइक का वायर है, इसी में एम्पलीफायर वूफर की वायरिंग होती है। इस वायर को इस तरह से इस पर रख के पुश कर देते हैं और यही वायरिंग कम्प्लीट हो चुकी है। ये है GPS का वायर, इसको इस तरह से लगा के इसका स्क्रू जो है हाथ से टाइट कर दिया जाता है। तो जितनी भी वायरिंग यहाँ है एक एक करके सारी प्लेयर के अंदर लगाएंगे। हमने सारी वायरिंग आपको दिखाई है, माइक की, GPS की, USB केबल की, रिवर्स कैमरे का वायर हम पीछे ले जाएंगे, कैमरा लगाने का पूरा प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। हमने एंटीने का वायर भी लगा दिया है और ये है रिवर्स कैमरे का वायर, ये भी लगा रहे हैं। इसके बाद मेन पावर सप्लाई का वायर लगाएंगे और इसका वर्क जो है पूरा हो जाएगा यहाँ का। इसके बाद कैमरे का काम बाकी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये जितने भी सारे कपलर सॉकेट हैं इसको अच्छी तरह से लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी लूज रह जाता है
तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये मेन सप्लाई है, इसमें स्पीकर के मेन वायर होते हैं, इसको इस तरह से प्लेयर के अंदर डाल दिया जाता है। ये सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर हमने काम किया है, आपको शुरू से दिखाया है किस तरह से कपलर टू कपलर काम किया है। ये वाला जो पार्ट है ये है एंटीने का, ये भी हम लगा देते हैं और प्लेयर को जिस तरह से हमने खोला था उस तरह से इसके ऊपर रख के पुश कर देंगे और फिटिंग का जो प्रोसेस है प्लेयर का वो पूरा हो जाएगा। प्लेयर को उसके ऊपर रखने के बाद अच्छी तरह से बैठा देते हैं, पुश फिटिंग होती है। एक बार अच्छी तरह से ये पुश हो जाता है, चाबी ऑन कीजिए, प्लेयर चालू हो जाएगा। लेफ्ट से फिनिशिंग ऊपर से आप देख सकते हैं, राइट साइड से काफ़ी अच्छी फिटमेंट इसकी आती है। प्रॉपर तवेरा फ्रेम नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि फिटिंग एकदम प्रॉपर आए। अब प्लेयर की बात करते हैं, टच क्वालिटी एकदम स्मूथ आएगी, वीडियो क्वालिटी आपको इसमें फुल HD देखने को मिलेगी जो आप देख रहे हो। 100% IPS पैनल डिस्प्ले इसकी आती है, किसी भी एंगल से आप देख सकते हो, वीडियो क्वालिटी आपको क्लियर मिलेगी। तो रिवर्स कैमरे का पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं किस तरह से उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ बैक साइड में हम आ चुके हैं, वायर हमने यहाँ से पूरा यहाँ लिया, उसके बाद यहाँ से ये टेल लाइट में इसके अंदर से यहाँ दे दिया। ये कैमरे का वायर है, कैमरा हमने कहाँ लगाया है ये भी आपको दिखाते हैं। तो रिवर्स कैमरा हम इसमें ये वाला लगा रहे हैं, HD कैमरा, इस तरह से यहाँ पे ये फिट होगा क्योंकि इसका जो बम्पर होता है वो मेटल का होता है, इसलिए रिवर्स कैमरा नंबर प्लेट के पास लगाना पड़ता है। तो नंबर प्लेट के पास हमने कैमरे को फिटिंग करने का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ड्रिलिंग करके अच्छी तरह से फिट कर दिया है। ये कैमरे एक हैवी मेटल बॉडी से बना हुआ है, यानी एक्रेलिक या कोई SS से नहीं बना, ताकि आसानी से ये निकलेगा नहीं या अपना एंगल ये चेंज करेगा। काफ़ी मजबूत कैमरा होता है ये, कंपनी भी इसी टाइप का कैमरा लगा के देती है। बैक साइड में कैमरे की वायरिंग हमने आपको बताई किस तरह से हमने पीछे तक ली है, और यहाँ पूरा टेपिंग वगैरह करके इसको पैक कर देते हैं और आपको दिखाते हैं रिवर्स कैमरे का लुक कैसा आ रहा है, उसका व्यू कैसा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं प्लेयर के पास, उसका व्यू देखते हैं रिवर्स कैमरे का कैसा व्यू आ रहा है। सो कैमरे की फिनिशिंग आपने देखी किस तरह से हमने कैमरा लगाया। अब इसका थोड़ा सा वर्क बाकी है, ये नीचे का पैनल हमने सबसे पहले जो खोला था इस पैनल को वापस इस तरह से लगा दिया जाता है काफ़ी सावधानी। ये देखिए लेफ़्ट साइड से ये अच्छी तरह से बैठा नहीं है, तो इसको फिर से देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इस पैनल को यहाँ लगाया जाएगा, ये लेफ़्ट साइड से बैठ नहीं रहा है, देखिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। इसको मैंने पुश करके भी देखा लेकिन ये नहीं बैठ रहा है, तो इसको मैंने निकाल के दोबारा मैं लगाऊंगा अच्छी तरह से, क्योंकि बैठना अच्छी तरह से ज़रूरी चाहिए। सो गाड़ी अगर पुरानी होती है तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ये देखिए ये पार्ट भी इसमें बैठ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है। मेन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, मेन प्रॉब्लम इसका ये लेफ़्ट साइड का ये भाग है, ये अच्छी तरह से नहीं बैठा है। तो एक बार इसको निकाल के देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, और यहाँ से इसको निकाल के जो इसका लॉक वगैरह है वो ठीक करके अच्छी तरह से बैठा लेते हैं, तो ये पूरा फिनिशिंग के साथ बैठ गया है। आप देख सकते हो बिल्कुल जैसा था बिल्कुल वैसा ही हमने इसको कर दिया है। प्लेयर की फिनिशिंग आपने देखी है, बिल्कुल लगता ही नहीं है प्लेयर आउट ऑफ मार्केट लगा है, कंपनी फिटेड जैसा लगा है। रिवर्स का गियर देते हैं तो रिवर्स कैमरे का पूरा व्यू आपको प्लेयर के अंदर देखने को मिलेगा। सो ये है HD अल्ट्रा HD कैमरा, जो आप इसका व्यू देख रहे हो एकदम क्लियर है। तो इसमें लाइन ऑन कर देते हैं, लाइन इसमें नहीं है, यहाँ से सेटिंग में जाके लाइनों को थोड़ा नीचे कर देते हैं, सेव कर देते हैं, सेटिंग अब हमेशा के लिए सेव रहेगी। प्लेयर का व्यू आप देख सकते हैं, पीछे हमारी शॉप कंप्लीट दिख रही है, कारसो कार एसेसरीज। ये देखिए बिल्कुल वाइड एंगल लुक है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नाइट विजन कैमरा हमने इसमें लगाया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कारसो एसेसरीज, वडोदरा, गुजरात।